वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसपे मैंने बताया था टाइप्स ऑफ पुशअप्स की, पुशअप्स कितने प्रकार के होते हैं। तो उसके ऊपर मेरे एक बड़े ही प्यारे सब्सक्राइबर ने मैसेज किया था कि जब भी मैं डायमंड पुशअप्स परफॉर्म करता हूँ तो उससे क्या होता है कि जो मेरी शोल्डर जॉइंट है वो दुखती है और जो मेरी रिस्ट है उसमें भी दर्द होती है। तो आज की इस वीडियो में आपके दो ऐसी टिप्स बताने वाला हूं, अगर आप अपनी एक्सरसाइज में ऐड करेंगे उन चीजों को तो आपका जो शोल्डर जॉइंट पेन है वो भी ठीक हो जाएगी और जो अगर आपके रिस्ट में पेन आती है तो वो भी ठीक हो जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम सीधा चलते हैं उन टिप्स की ओर। तो आज की जो टिप नंबर वन रहेगी वो टिप नंबर वन ये रहेगी कि इंस्टेड ऑफ दिस ग्रिप आपको क्या करना है, आपको ये ग्रिप यूज करनी है, उससे आपकी रिस्ट के ऊपर जो है जोर नहीं आएगा। इंस्टेड ऑफ दिस यूज दिस। सेकेंड टिप आज की जो रहेगी वो ये रहेगी कि अगर आप ग्राउंडेड पुशअप्स नहीं कर पा रहे तो आप टेबल के ऊपर भी पुशअप्स परफॉर्म कर सकते हो। आओ देखते हैं कैसे। इससे भी आपकी रिस्ट के ऊपर कोई भी जोर जो है वो नहीं आएगा। आई होप कि ये जो टिप्स है आपको यूजफुल जो है वो नजर आई होगी। अगर आपको ये यूजफुल नजर आई है तो इनको आपने ऐड करना है अपनी रूटीन के अंदर और शेयर करो ये वीडियो उन दोस्तों के साथ जो डायमंड पुशअप करते करते अपने शोल्डर जॉइंट में जो है वो पेन निकलवा रहे हैं, अपनी रिस्ट जो है उसको इंजर्ड कर रहे हैं। आई होप कि वीडियो आपकी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने यारों दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल जरूर रखें, जिम में जरूर जाएं, तगड़े होने पे ध्यान दें। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।